बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 कैलकुलस का। इसका एक्सरसाइज 6.4। इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमें एक पोलर कर्व दिया होगा, जैसे ये वाला हमें दिया हुआ है। इसको हमने आइडेंटिफाई और ग्राफ इसका बनाना है। कॉनिक सेक्शन के मुताबिक हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हम सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये कर्व मुझे कौन सा कोण जो है ये बना के दे रहा है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ए, आर इज इक्वल टू 4/1 cos θ। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, पैराबोला दे रहा है, हाइपरबोला दे रहा है या इलिप्स दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसमें कर देता हूँ। आर मेरे पास क्या है, आर इज सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आ जाए, सॉल्यूशन इसका है आर इज इक्वल टू 4/1 cos θ। अगर 4 को मैं इधर ले जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा r/4 विच इज़ इक्वल टू 1/1 cos θ। अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर, दोनों को मैं उल्टा दूँ तो ये आ जाएगा 4/r इज़ इक्वल टू 1/cos θ। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि l/r इज इक्वल टू 1/e cos θ। इसमें ये e जो है, इस e से हमने रिज़ल्ट निकालें। अगर e मेरे पास 1 हो तो इस केस में मुझे पैराबोला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पैराबोला। दूसरा, अगर e जो है वो लेस देन 1 हो फिर मेरे पास इलिप्स आ जाएगा। अगर थर्ड वन, e इज ग्रेटर देन 1 फिर मेरे पास हाइपरबोला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइपरबोला। यानी e अगर 1 हो तो पैराबोला, e लेस देन 1 इलिप्स, e ग्रेटर देन 1 मुझे हाइपरबोला मिल जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू 4। ठीक है, एल मेरे पास 4 आ रहा है और आर इज इक्वल, सॉरी, ई इज इक्वल टू, इसको मैं इराइज कर लू, ई इज इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो e मेरे पास 1 एंड l मेरे पास 4 आ जाएगा। l क्या है, l अगर 4 हो और l मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, e अगर 1 हो तो इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, पैराबोला। द कॉनिक इज, द कॉनिक इज अ पैराबोला, द कॉनिक इज पैराबोला। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है,
एक टेबल की तरफ हम आते हैं। इक्वेशन ए मेरे पास है आर इज इक्वल टू 4 upon 1 plus cos थीटा, ठीक है। अगर थीटा की जगह पे मैं ज़ीरो पुट कर दूँ, इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो आर की वैल्यू मेरे पास आर इज इक्वल टू 4 cos 0 मेरे पास 1 है, 1 plus 1 इज इक्वल टू 4 upon 2, ये कट जाएंगे, मेरे पास 2 आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट हमने इस फॉर्म में लिखना है। हमें पता है कि आर थीटा वाली फॉर्म मेरे पास क्या है, पहले आर की वैल्यू फिर थीटा की वैल्यू हमें लिखनी है। तो पहला जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या बन रहा है, इधर मैं इसको लिख भी लेता हूँ, ये थीटा है और ये आर है और ये मेरे पास इसकी फॉर्म बन रही है, ठीक है, आर व थीटा वाली फॉर्म। अगर थीटा ज़ीरो हो तो आर मेरे पास क्या आ रहा है, आर इज़ 2, तो फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, इसकी फॉर्म बन जाएगी 2 2 0, ठीक है, ये कॉमा है, सही है। फिर उसके बाद अगर थीटा की हम दूसरी वैल्यू यहाँ पे प्लग कर लेते हैं, से दैट हम प्लग कर लेते हैं π/3, ऐसी वैल्यू हम प्लग करेंगे जो कि हमें एक रिज़ल्ट भी दे। थीटा अगर मेरे पास π/3 हो तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 4 1 plus cos π/3। अब ये आ जाएगा 4 1 plus cos π/3 पे 1 upon 2 है, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा 2 वेल बी एलसीएम ऊपर आ जाएगा 4 multiply by 2। इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 plus 1 is 3, यानी 8 upon 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर थीटा मेरे पास π/3 हो उस केस में आर मेरे पास क्या आ रहा है, आर इज़ 8 upon 3, तो पॉइंट क्या बन रहा है, π/3 divided by 8 upon 3, सही है। उसके बाद मैं π/2 जो है वो ट्राई कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे π/2 पुट कर दें, थीटा अगर मेरे पास π/2 हो फिर क्या होगा, r will be equal to 4 upon 1 plus cos pi by 2। अब cos pi by 2 पे हमें पता है किस चीज़ की इक्वल है, 4, वो मेरे पास 0 है तो 1 plus 0 which is equal to 4। अगर थीटा pi by 2 हो तो r की वैल्यू उस केस में मेरे पास क्या आ रही है, वो मेरे पास 4 आ रही, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 4 π/2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, उसमें अगर हम 2π/3 जो है वो पुट कर दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 2π/3, तो r जो है वो मेरे पास 4 upon 1 plus cos 2π/3, 4 cos 2π/3 पे मेरे पास -1 upon 2 है, ठीक है, इसको सॉरी ये 2 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 1s are 2, अब 2 minus 1 मेरे पास 2 आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 upon 1 which is 8। तो π/2π/3 वाली केस में मुझे r की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है, r की वैल्यू मुझे 8 मिल रही है, ठीक है। यानी अगर हम इसको पॉइंट वाली फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगी 8, 2π/3, सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
अगर थीटा मेरे पास हो, थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास 4π/3 हो, 4π/3, तो r मेरे पास क्या आ जाएगा, r विल बी इक्वल टू 4 1 प्लस cos 4π/3। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस केस में मुझे ये मिल जाएगा 4 1 cos 4π/3। ये ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है आर्री क्लासेस में, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। ये मेरे पास आ जाएगा 1, इसकी जगह पे मेरे पास प्लस 4π/3 पे cos की वैल्यू 1/2 है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो वी विल गेट 8/3। इसी तरह आपने और भी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। इसको मैं टेबल पे लिख लेता हूँ। मेरे पास पाई की वैल्यू 4π/3 और उसके सामने जो थीटा की वैल्यू है, सॉरी आर की वैल्यू है, वो मेरे पास 8/3 आ रही है। और पॉइंट मेरे पास क्या बन रहा है, 8/3, 4π/3, ये वाला पॉइंट बनना है। ठीक है, अगर हम इसको आगे ले जाए, अच्छा और वैल्यू जो है वो मैं फाइंड नहीं करता, सिर्फ मैं लिख लेता हूँ। अगर हम थीटा को 3π/2 रख लें, वो 270 के ही इक्वल है, 3π/2। यहाँ पे अगर हम 3π/2 पुट कर दें तो 3π/2 पे हमें पता है कास की वैल्यू 0 है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो 4/1 + 0 = 4, तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और पॉइंट क्या बन जाएगा, आर वा थीटा वाली फॉर्म 3π/2। इधर क्या है, 2 है मेरे पास। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज, ये हम कोशिश करेंगे कि वो वाली वैल्यू ले लें जिसमें ये स्क्वायर रूट वाली फॉर्म ना हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वही वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। आखिरी वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5π/2। तो उस केस में मुझे 8/3 मिल रहा है। और अगर हम इसको प्लॉट कर दें, यहाँ पे लिख ले, आर जो है वो 8/3 है और ये मेरे पास 5π/3 जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक फिगर जो है वो बनाई है, तो वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ये वाली फिगर। चाहिए मेरे पास फिगर आ जाएगा, तो इसमें फिर जो है वो मैं कुछ लाइंस भी लगा लेता हूँ। ये इसका ओरिजिन और साथ ही मैं एक दूसरी लाइन भी ले लेता हूँ जो कि क्या करें, इस ओरिजिन में से पास कर दें। ये ओरिजिन है, ये वाली लाइन मैं ले रहा हूँ, अच्छा ये वाली लाइन है, और उसके बाद एक दूसरी लाइन भी मैं ले लेता हूँ, तो वो लाइन, ये सॉरी थोड़ी सी ड्राइंग में मसला है मेरा, वो ड्राइंग मैंने सही नहीं बनाई। आप कोशिश कर लें, ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया, अब हम वापस आते हैं, इसको कुछ डिफरेंट वैल्यूज़, आई विल ट्राई डिफरेंट कलर, से दैट मैं ये कलर नहीं बल्कि ये फुल रेड कलर जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा एक पॉइंट मेरे पास ये वाला आ जाएगा, इस पॉइंट एक ये आ रहा है और एक पॉइंट
ये वाली आ रही। अच्छा ये ओरिजिन है ज़ीरो वा ज़ीरो, और एक पॉइंट मेरे पास ये वाला आ रहा है, एक पॉइंट मेरे पास ये वाला है। ठीक है, अब इनको मैं नाम देता हूँ, वैल्यूज़ जो है वो दे देता हूँ। अगर मेरे पास वैल्यू हो, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास ये वाली आ रही है, ये वाली वैल्यू क्या है ये देख लें, ये एक्स एक्सिस पर है। किस पर है? एक्स एक्सिस पर है, और इसका आर मेरे पास टू एंड थीटा इज ज़ीरो, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, टू वा ज़ीरो। उसके बाद ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम आ जाएं तो ये पॉइंट एट ओवर थ्री फाइव ओवर थ्री की इक्वल है। किस चीज़ की इक्वल है? एट ओवर थ्री कॉमा फाइव ओवर थ्री की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं, ये पॉइंट फिर मेरे पास एट कॉमा टू पाई ओवर थ्री है, एट कॉमा टू पाई ओवर थ्री की इक्वल है। ठीक है, ये वाली पॉइंट सही। उसके बाद हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं, ये पॉइंट फिर मेरे पास क्या है, ये पॉइंट है एट ओवर थ्री फाइव पाई बाय फोर। अच्छा ये वाली पॉइंट मैंने इसकी वैल्यू नहीं लिखी, ये इसकी वैल्यू है मेरे पास है फोर कॉमा फोर कॉमा पाई बाय टू। ठीक है, तो ये सारे आठ, ये सारे पॉइंट जो है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाली जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या है, ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इसकी वैल्यू है मेरे पास एट ओवर थ्री फाइव पाई बाय थ्री, एट ओवर थ्री फाइव पाई बाय थ्री मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू मेरे पास फोर थ्री पाई बाय टू, फोर थ्री पाई बाय टू, एंड दिस लास्ट वन इज ये मेरे पास है एट फोर पाई बाय थ्री, एट कॉमा फोर पाई बाय थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फिगर आ गई, हमने कुछ वैल्यूज़ मालूम की और एक मेरे पास ये फिगर पड़ी थी, तो मैंने क्या किया वही फिगर यहाँ पे यूज़ की, और उसको यूज़ करते हुए ये इसका आइडेंटिफाई भी हो गया और ग्राफ भी हमारे पास इसका आ गया। ग्राफ इसका ये है, और जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया तो ये पैराबोला था। अच्छा उसके बाद है मेरे पास इसका क्वेश्चन टू, जो कि है आर इज इक्वल टू टेन वन माइनस साइन थीटा की इक्वल है। इसको भी हमने इसी तरीके से हल करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है और ग्राफ भी इसका हमने बनाना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की तरफ आते हैं। R इज इक्वल टू टेन अपॉन वन माइनस साइन थीटा, आई विल ट्राई डिफरेंट कलर। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, टेन को मैं इधर नीचे लाऊंगा, ये आ जाएगा R अपॉन टेन इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन वन अपॉन सॉरी ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अब हम इसको भी उल्टा लेते हैं, इसको भी उल्टा लेते हैं, ये आ जाएगा टेन अपॉन आर इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा वन माइनस कॉस फाइव बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका, इसको हम कंपेयर कर देते हैं इस इक्वेशन के साथ, ये वाली जो इक्वेशन है एल, अगर इधर माइनस का साइन आ जाए फिर क्या होगा, इधर मेरे पास जस्ट माइनस आ जाएगा, और माइनस का साइन हम इधर लगा लेंगे, माइनस का साइन जब इधर आ जाए फिर
इधर माइनस का साइन आ जाएगा, और इसके साथ फिर हम इक्वेट कर देते हैं, अगर ई वन हो पैराबोला, लेस देन वन एलिप्स, और ग्रेटर देन वन हो हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अब करते हैं हम क्या है, इधर इधर हम ये करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है इसको हमने इक्वेट किया ना, तो मुझे दो चीज़ें यहाँ से मिल गई, एक तो इधर वन है, e इज इक्वल टू वन, और दूसरा मेरे पास l है, l इज इक्वल टू टेन। अच्छा, ये लेटस रेक्टम का जो है लेंथ है, लेंथ आप सेमी लेटस रेक्टम, यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास e जो है वो वन की इक्वल है और l मेरे पास टेन की इक्वल है, तो मेरे पास जो कंडीशन है वो पैराबोला का सेटिस्फाइड हो रहा है, तो कॉनिक जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैराबोला, द कॉनिक इज, कॉनिक इज पैराबोला। क्यों पैराबोला आया, क्योंकि ई इज का वन, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है हम निकालेंगे, कुछ वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, फिर उसको हम यहीं पे स्केच कर देते हैं। आर मेरे पास क्या है, आर इज इक्वल टू टेन अपॉन वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको इस वाली फॉर्म में, आर वाली थीटा, आर थीटा वाली फॉर्म में लाने की, अगर थीटा मेरे पास हो ज़ीरो तो आर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, टेन वन माइनस साइन ज़ीरो। अब साइन ज़ीरो पे ज़ीरो है, मुझे सिर्फ टेन जो है वो मिल जाएगा। फिर अगर हम थीटा को उसके बाद दूसरी वैल्यू दे दें, से दैट मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि इसको वो वाली वैल्यू दे जो इधर मुझे कोई रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू टेन अपॉन वन माइनस साइन पाई बाई सिक्स, यानी वो वाली वैल्यू हम ट्राई करेंगे जिससे ये मुझे क्या दे, वो वाला रिजल्ट दे जो मेरे पास क्या हो, स्क्वायर रूट और उस फॉर्म में नहीं हो। ये आ जाएगा टेन, अब वन वन माइनस साइन पाई बाई सिक्स पे वन अपॉन टू है, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा टू वन ज़ार टू, टू माइनस वन ज़ार टू, टू ऊपर चला जाएगा तो मुझे ट्वेंटी अपॉन वन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम थीटा को, अच्छा सॉरी ये पाई बाई सिक्स है, मैंने गलती से पाई बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम थीटा को एक दूसरी वैल्यू दें, नेक्स्ट वन से दैट मैं इसको देता हूँ फाइव पाई बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स, तो आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू टेन अपॉन वन माइनस साइन फाइव बाई सिक्स। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, साइन पाई बाई सिक्स पे जो है वो मुझे क्या, कौन सी वैल्यू दे रहा है, उस केस में मेरे पास माइनस वन अपॉन टू टेन, इधर आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू, क्योंकि साइन पाई बाई सिक्स पे वन अपॉन टू है, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा वी विल गेट ट्वेंटी। फिर उसके बाद मैं थीटा को रख रहा हूँ पाई बाई सिक्स की जब बात, पाई सिर्फ पाई रख रहा हूँ, तो आर मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन वन माइनस साइन पाई। अब ये आ जाएगा टेन साइन पाई की वैल्यू वन माइनस ज़ीरो, अब ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, जस्ट टेन। उसके बाद अगर हम थीटा को एक और वैल्यू दे, सेवन पाई बाई सिक्स, सेवन फाइव बाई सिक्स, तो उस केस में आर मुझे क्या देगा, आर इज इक्वल टू टेन वन माइनस साइन सेवन फाइव बाई
6, विच इज इक्वल टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, साइन 7π/6 दैट विल बी, ये मुझे जो है वो कौन सी वैल्यू देगा, ये -1/2 यानी 10 -1/2, एक माइनस ये है एक माइनस वही है, तो ये प्लस आ जाएगा 1/2 ये आ जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये 20/3 मुझे ये वैल्यू देगा, ठीक है। अब 7π/6 के बाद अगर हम 3π/2 जो है रख लें, थीटा अगर मेरे पास 3π/2 270 की बात कर रहा है, ठीक है, तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, r इक्वल टू 10 1 माइनस साइन 3π/2, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें दैट विल बी -1 और ये आ जाएगा 10 1, एक माइनस वही है एक ये है, तो ये प्लस आ जाएगा प्लस 1 और मुझे 5 मिल जाएगा, ठीक है। 3π/2 के बाद मैं जो हूँ 11π/6, यहाँ पे अगर थीटा को हम पुट कर लें 11π/6, फिर मुझे क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू 10 1 माइनस साइन 11π/6, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, इधर मेरे पास माइनस का साइन है और ये -1/2 है, माइनस माइनस प्लस 10/1/1 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 20/3। तो r थीटा वाली फॉर्म अगर हम इसको लिखना चाहें तो r इसका 10 है, इसका 0 है थीटा, और ये 20π/6। अब हम क्या करते हैं, इसकी फिगर की तरफ हम आते हैं, इसको हम फिगर जो है वो यहाँ पे दे देते हैं, व्हाट विल बी इट्स फिगर, फिगर में ये वाली पिक कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आके उतार देता हूँ, ठीक है। ये इसी सवाल के लिए यही फिगर आ रहा है। अब इसमें मैं कुछ शेप्स का भी इजाफा कर देता हूँ, लाइन का। अब यहाँ से जो लाइन गुजर रही है, एक तो लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे गुजरेगी, ये मेरे पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी, फिर उसके बाद दिस विल बी द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन मेरे पास जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, ये मेरे पास सेकेंड लाइन आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें एक और लाइन का मैं इजाफा कर लेता हूँ, वो लाइन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम कोऑर्डिनेट जो है वो दे देते हैं, फर्स्ट वन मेरे पास क्या आ रहा है एंड सेकेंड वन विल बी व्हाट, इसको मैं डिफरेंट कलर से ब्लैक कलर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अब ये फर्स्ट पॉइंट इसका एक ये आ जाएगा, एक ये वाली पॉइंट और एक ये वाली पॉइंट, ठीक है, और ये मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन को मैं ओ से ज़ाहिर कर रहा हूँ। अब ये फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10, 0, जिसमें थीटा मेरे पास 0 हो और आर इसका 10 हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये पॉइंट जो है 10, 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 और ये 0। उसके बाद इस पॉइंट की तरफ हम आते हैं, ये जो पॉइंट है ये 20, 5/6 20, 20, 5/6 सही है, यानी ये जो लाइन है ये इस x एक्सिस के साथ पाई बाई सिक्स का एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट की तरफ आ जाएं, ये वाली जो पॉइंट है ये मेरे पास बेसिकली है 20, 5/6
5 pi by 6. एंड दिस पॉइंट विल बी, ये वाली जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगी और ये वाली पॉइंट क्या आ जाएगी, ये भी मेरे पास ओरिजिन से 10 है और इसका एंगल पाई है, 10 कॉमा पाई. ये 10 बाय 0 क्यों है, क्योंकि हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये मेरे पास पाई आ जाएगा, पाई एंगल. उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को देख लें, ये वाली पॉइंट क्या आ रही है, ये वाली पॉइंट मेरे पास आ जाएगी 20 ओवर 3. और अगर हम थीटा को क्या रख लें, 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, ये 20 ओवर 3. अच्छा, ये पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो पॉइंट है ये बेसिकली 3 पाई बाय 2, यानी 270 वाली पॉइंट है. ठीक है, 270 यहाँ से अगर हम देख लें, इसका आर 5 है और थीटा मेरे पास 3 पाई बाय 2 है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 कॉमा 3 पाई बाय 2. उसके बाद अगर हम इस पॉइंट की तरफ आ जाएं, ये वाली जो पॉइंट है ये किस चीज़ की इक्वल है, ये 11 पाई बाय 6, आर इसका क्या है 20 ओवर 3, यहाँ से हमने इसको निकाला है, और इसका थीटा जो है वो 11 पाई बाय 6. अब देख ले, अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो वी विल ऑब्टेन दिस फिगर, ये पैराबोला जो है वो मेरे पास आ जाएगा. ठीक है, चूंकि मेरे पास पहले से बनाया था तो इसलिए मैंने इसको ऐड करके फिर उसके बाद पॉइंट जो है वो हमने डाल दिए, ताकि ये कुछ अच्छा जो है वो हमें लगे, एक सही फिगर जो है वो मुझे मिल जाए. इसलिए मैं एक रेडीमेड फिगर मैंने यूज़ किया, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे और इसको आपस में मिलाएंगे तो यू विल गेट ये वाली फिगर जो है वो आपको मिल जाएगी.